किसान भाइयों, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम गायों के बारे में बताएंगे कि गायें कौन से लैक्टेशन में हैं और भाई साहब से डिटेल लेते हैं सभी पशुओं की। तो भाई साहब बताइए आपकी ये गाय। राम राम किसान भाइयों, मेरे पास ये फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है। फर्स्ट लैक्टेशन में इसका 14 लीटर दूध लिया मैंने। एकदम स्वभाव में एकदम कोई ऐसा तेजी वाला काम नहीं है, कहीं पे भी हाथ घुमा के देख लो। फर्स्ट लैक्टेशन में इसका 14 लीटर दूध है। अभी ये 5 महीने की व्यय हुई है, 2 महीने इसको क्रॉस हो गए हैं और अभी इसके दूध है 11 लीटर। ये मेरे पास दूसरे इलेक्ट्रिशन में गाय है जो मैंने इसी साल ख़रीदी है। इसी इलेक्ट्रिशन में ख़रीद के लाया हूँ मैं, और किसान से मैंने जब ख़रीदी तो इसके 12-13 लीटर दूध था और मैंने इसको खिला पिला के इसके शारीरिक जो इसको न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी चाहिए मैंने इसको पूर्ति करके इससे टाइम का 20 से 21 लीटर दूध पर टाइम लिया हुआ है। और अभी ये 7 महीने की व्यय हुई हो गई है, अभी भी इसके टाइम का 12-13 लीटर दूध है और 4 महीने की करीबन क्रॉस है। ये मेरे पास दूसरे इलेक्ट्रिशन में गाय है, ये भी मैंने इसी साल ख़रीदी है। इसके मैं जब किसान से ख़रीद के लाया तो इसके 9-10 लीटर दूध था, अभी इसके मेरे पास 13-14 लीटर दूध है। इसको ख़रीदे 15 दिन ही हुए हैं। खाने पीने का अगर अपन ध्यान देते हैं तो पशु दूध देता है। बाज़ार से ख़रीद के अपन जो पशु आहार लाते हैं उसमें न जाने क्या मिला के वो पशु आहार बनाते हैं, अपने को पता नहीं है। मेरे पास खुद के यहाँ एक ग्राइंडर लगा हुआ है, मैं खुद फीड बना के फिर खिलाता हूँ। बाज़ार से बहुत कम रेयर केसेज में कुछ भी ख़रीद के, ऐसा नहीं कि कुछ भी ला के ख़रीद के खिला दिया, मैं खुद पशु आहार बनाता हूँ खिलाता हूँ। उससे मेरे पशु एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं, दूध भी सही देते हैं। ये गाय है मेरे पास, ये भी दूसरे इलेक्ट्रिशन में ही है। अभी हाजिर में इसके 14 लीटर दूध है। जब इसको भी मैंने ख़रीदा तो 8 लीटर दूध था। तो एक्चुअल क्या है कि वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ दिखाना है, वीडियो बनाने का मतलब यह है कि अपने पशु को आप जो चीज़ खिलाते हो उसकी आप देख रेख करके खिलाओ तो क्या पशु दूध दे। ये गाय भी मेरे पास दूसरे इलेक्ट्रिशन की है, ये मैंने एक फार्मर से ख़रीदी थी। उस फार्मर के पास इसके दूध था 12 लीटर, मैंने इसका टाइम का 15 लीटर दूध लिया है। मेरे पास अभी टाइम पे 10 पशु दूध देते हैं, 11 पशु टोटल है जिसमें दूध 10 पशु ही देते हैं। ये जो मेरे पास गाय है, अभी दूसरी ब्यात में मैं लाया था इसको, दूसरे इलेक्ट्रिशन में जो मैं लेके आया था तब इसके 7 लीटर दूध था। मेरे यहाँ आके इसने 12 लीटर दूध करा है और इसने करीब 13 महीने तक दूध दिया है। मैंने जनवरी महीने में ख़रीदा था, नेक्स्ट ईयर के फरवरी माह तक इसने दूध दिया और मैंने इसको 1.5 महीने के लिए खड़ी रखा है। 7.5 महीने तक इसने दूध दिया है क्रॉस होने के बाद भी, उसके बाद वापस 1.5 महीने बाद ये बच्चे जना है, उसके बाद इसने अभी 14 लीटर दूध टाइम का देती है। ये 1 महीने पहले गाय ब्याई है, अभी तक और दूध बढ़ाएगी है, 1 लीटर 1.5 लीटर दूध और बढ़ाएगी, करीब इसका 15 से 16 लीटर दूध हमें मिलेगा। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद।